सुनो सच्ची कहानियों की आज ये श्रृंखला बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास। तो सबसे पहले तो जो हमारे नए लोग जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, आपके जो सुझाव हैं जरूर दीजिए। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप यूं ही कर दीजिए, पर ये करने से जो आपको लाभ होगा वो शायद इतना ज्यादा होगा कि आप सोच भी ना पाएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक हमारी इन सच्ची कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन को बदला है और आपका भी जीवन बदले ये हमारी पूरी इच्छा है। बदलने से मतलब है बेहतरी की तरफ, बहुत अच्छा। आज की कहानी हमारी जो नायिका हैं, कल से तो इनका नाम कुछ ज्यादा ही टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और आप सब इस नाम से भली भांति परिचित हैं। ये नाम और कोई नहीं, ये नाम है चंदा कोचर। जी हाँ, चंदा कोचर एक साधारण महिला नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चंदा कोचर ICICI बैंक की यंगेस्ट CEO और MD रही हैं। 48 साल की उम्र, 48 इयर्स की एज पर इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया और पूरे पूरे विश्व में इनका नाम प्रख्यात है। और उसका कारण एक ये भी है, इनकी जो खासियत, जो खूबियां हैं उस पे तो हम चर्चा करेंगे ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम मैगजीन, आप जानते हैं टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम 2015 में निकाला और अपना प्रकाशित किया अपनी मैगजीन में। और आप जानते हैं उन 100 लोगों में चंदा कोचर का भी नाम था। साधारण नहीं है, ना उनका व्यक्तित्व तो साधारण है, ना वो स्वयं साधारण है। ये असाधारण प्रतिभा, ये असाधारण ऊंचाई, ये असाधारण सफलता इन्होंने कैसे पाई, उसकी तो चर्चा होगी ही। हम शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। एक लड़की के रूप में, बेटी के रूप में जन्म लिया चंदा कोचर ने सिंधी परिवार में। जी हाँ, सिंधी परिवार जोधपुर में। छोटी उम्र थी, पढ़ाई में अच्छी थी, पिता प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर कहते हैं कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना जो हो जाती है वो पूरे परिवार का रुख बदल देती है, जीवन का रुख बदल देती है। और ऐसा ही हुआ, 13 साल की छोटी सी उम्र में ही पिता इनका साथ छोड़कर चले गए अपनी असीम यात्रा पर। जी हाँ, उनका स्वर्गवास हो गया। पूरा परिवार किसी न किसी कारणवश मूव कर गया मुंबई। मुंबई में पढ़ाई करना शुरू कर दी, पढ़ाई में अच्छे थे, ग्रेजुएशन किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी किया, MMS किया इन्होंने, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आजकल MBA के रूप में ज्यादा जाना जाता है। और MMS भी कहाँ से किया, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, जाना माना इंस्टीट्यूट है, आप सब भी जानते होंगे, वहां से इन्होंने MMS की पढ़ाई की। और इस पढ़ाई के दौरान बहुत सुंदर घटना घटित हुई इनके जीवन में और इनका जीवन परिवर्तित हुआ। वो घटना क्या थी, प्रेम हुआ। जी हाँ, प्रेम हुआ दीपक कोचर से, जिनके साथ ही पढ़ाई कर रहे थे, और वो प्रेम विवाह में परिवर्तित हो गया। जीवन बहुत खुशहाल, बहुत अच्छा चल रहा है। 1984 में चंदा कोचर ने ज्वाइन किया ICICI को। मैं बैंक नहीं कह रही हूं, क्योंकि उस समय बैंक नहीं था, बल्कि ये क्या था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट
एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग चंदा कोचर 1984 में एंटर की थी और बस इतनी खास शख्सियत, इतना खास व्यक्तित्व कि इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो भी कुछ हो सकता है किसी एक महिला में जो काबिलियत हो सकती है, उस सब के बलबूते पर आईसीआईसीआई बैंक को 1990 में उसकी शक्ल बदल दी। कैसे कि अब ये जाने जान लगा कि भाई अब ये आईसीआईसीआई बैंक है। यहां पहुंचा दिया चंदा कोचर ने, उनकी मेहनत असाधारण थी। आज भी आईसीआईसीआई बैंक में जो लोग काम कर चुके हैं या उनके साथ काम करा है, वो सब उनके तारीफ, उनकी प्रशंसा में न जाने कितने शब्द कहते हैं। और ये आप सबको भी पता है कि वो किस ऊंचाई पर पहुंचे। लगन के साथ, बहुत लगन के साथ इन्होंने न केवल आईसीआईसीआई को बैंक की शक्ल दी, बल्कि इस बैंक को शीर्ष पर पहुंचाया, नंबर वन, सबसे ऊंची, सबसे शानदार बैंक। ऐसी बैंक जहां पर हर चीज शानदार है, कस्टमर सर्विस, आपको कुछ भी चाहिए, लोन चाहिए, डिपॉजिट चाहिए, एनीथिंग जो भी बैंक में संभव है वो सब कर दिखाया इन्होंने। एनपीएस इनके टाइम में कम होने लगे, ये लोगों को अपने तरीके से प्रभावित करती थी, अपने तरीके से समझाती थी। लोग जब घबरा गए थे लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के समय में, तब भी इन्होंने अपने बैंक को बहुत दृढ़, बहुत अच्छे से संभाले रखा, कस्टमर्स को संभाले रखा। ये सब ऐसे ही नहीं होता है। कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं, ये जो लोग कहां से कहां पहुंचते हैं, न केवल खुद बल्कि पहुंचाते हैं देश को भी इतना ऊंचा, ये ऐसे ही नहीं, ये असाधारण प्रतिभाएं हैं, इनके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। मैं कुछ विशेषताएं इनकी हाईलाइट कर पाऊंगी अपने इस वीडियो चैनल में, बाकी आप सब भी बहुत जानते होंगे, और भी जानना चाहें तो जान सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर कुछ विशेषताएं जो हमारे दिल को छूती हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जो कर्मचारी हैं, जो साथ के लोग हैं, जो भी स्ट्रेस मेरे अंदर चल रहा है, जो भी तनाव मेरे अंदर चल रहा है, जो भी काम के प्रति मैं कार्य कर रही हूँ और उसमें तनाव महसूस कर रही हूँ, मैं कभी भी वो तनाव अपने कर्मचारियों को पास नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू वर्क लाइक ए स्पॉन्ज जो खुद सारा तनाव ले लेता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। आप में से बहुत लोग जगह जगह काम कर रहे होंगे और ये जानते होंगे कि आज बॉस का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसे डांट दिया, उसे ऐसा कहा, आज प्रेशर बहुत, आज ये बहुत, आज वो बहुत। पर चंदा कोचर की ये खूबी उनके सारे कर्मचारियों को हमेशा तनाव मुक्त रखती रही। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में ये सारे लोग जितने भी शीर्ष पर पहुंचते हैं, जितने भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन टाइम मैनेजमेंट। और वो थी सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत लोग करते हैं, पर आमतौर पर ये होता है कि जो लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जो लोग बहुत कैरियर कॉन्शियस होते हैं, वो सबसे ज्यादा नकारते हैं तो अपने परिवार को, नकारते हैं तो अपने बच्चों को कि टाइम नहीं है बेटा, मैं तो जा रहा हूं, पत्नी को, माता पिता को। पर चंदा कोचर ने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा 6 बजे अपना कार्य समाप्त करके घर की ओर चल देती थी। रास्ते भर कार में भी वो कार्य करती रहती थी, पर घर पहुंच के पूरी तरह वो समर्पित होती थी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए
और ये एक ऐसी विशेष महिला है जो हमारे वीडियोस में क्या जाने शादी से पहले में हमने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, और ये एक ऐसी महिला है जो आज भी अपने इन-लॉज के प्रति समर्पित हैं और उनकी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं, आज मैं जहां भी पहुंची हूं उसमें योगदान है मेरे परिवार का, मेरे इन-लॉज का, दे ऑल आर मोर देन गुड टू मी। बहुत बड़ी खूबी, बहुत बड़ी खासियत, न जाने कितनी महिलाओं की ये रोल मॉडल है। मैं कहूंगी महिलाओं की, क्यों पुरुषों की भी, कि न जाने कितने लोगों की रोल मॉडल है। पर मैं इतनी जोश के साथ, इतने खुश होके आपको इनके बारे में बता रही हूं। चंदा कोचर, जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया था, उनकी नौकरी जब शुरू हुई थी केवल 2300 रुपए हर महीना इनको मिला करते थे, बात है 1984 की, और ये कहां पहुंची 2017 में। अगर इनकी सैलरी मैं आपको बताऊं, हालांकि आप जानते होंगे पर फिर भी आप खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि इनकी सैलरी थी 7.8 करोड़। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस, इनके कार्य करने का जो बोनस है वो जानते हैं कितना था? 2.2 करोड़। अमेजिंग, इट इज सिंपली अमेजिंग। एक ऐसी महिला जिसने कहां से शुरू किया काम और कहां खुद पहुंची, कहां पूरे देश को पहुंचाया, कहां उस बैंक को पहुंचाया। पर कहते हैं जीवन में छोटी सी गलती भी कई बार आपको बिल्कुल नीचे गिरा देती है। मैं नहीं जानती, आज मुझे नहीं पता कि वो गलती है या क्या है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती हम इसमें कुछ भी कह नहीं सकते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, लोग जो भी सोच रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। जल्दी ही इंक्वायरी पूरी होगी और हमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। कल 4 अक्टूबर को चंदा कोचर ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जबकि उनका टेन्योर पूरा होने जा रहा था, 5 महीने बाद उनका टेन्योर खत्म होने जा रहा था, पर उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने का बड़ा कारण, उस पे चर्चा मैं अब करूंगी, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। दीपक कोचर जो इनके पति हैं, उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जिनका नाम है वेणुगोपाल धूत, और वेणुगोपाल धूत साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं वीडियोकॉन के। 2010 में उन्होंने दीपक कोचर के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, न्यू पावर कंपनी, और इस कंपनी के लिए 64 करोड़ की लागत लगाई उन्होंने और इस कंपनी को शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा है। 2012 में दूध साहब ने ICICI बैंक से, अब देखिए यहां थोड़ी सी क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता, पर कहीं तो कुछ हुआ। ICICI बैंक से उन्होंने लोन कितना लिया, छोटा मोटा नहीं, 3,250 करोड़ का लोन ले लिया। अब इसमें क्या है, राज क्या है और क्या हुआ हम कह नहीं सकते, हम आपको बता नहीं सकते, पर कहीं कुछ हुआ, क्योंकि इस कंपनी ने, धूत साहब ने इसी कंपनी को दीपक कोचर साहब को दे दिया, जानते हैं कितने में, आप सोच नहीं सकते, 9 लाख ओनली, 9 लाख में दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रही हूं, और हमारे सारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी कार्य कर रही हैं इसके ऊपर। पर ऐसा हुआ और कंपनी ने इसका लोन रिपे करना 2017 से बंद कर दिया। बस ये सब होने के कारण चंदा कोचर, पद्म विभूषण से सम्मानित महिला, शक के दायरे में आ गई। शक बढ़ता चला गया,
इंक्वायरी होती चली गई, पहले विद इन द बैंक इंक्वायरी हुई जिसमें इनको क्लीन चिट मिल गया, पर इंक्वायरी रुकी नहीं क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों का है। और इस शक की वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, उसमें आपको पता होगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं बी एन श्री कृष्णा, जो कि इस कार्य को अध्यक्षता प्रदान कर रहे हैं और इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स क्या आएंगी ये तो किसी को नहीं पता, पर कल जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, एक बार फिर चंदा कोचर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अजीब सा शक पैदा कर रही हैं, एक अजीब सा लोगों के मन में फीलिंग आ रही है, जिनकी वो रोल मॉडल थी, जो उनको इतने शीर्ष पर देखते थे, जिनकी कल्पना में वो क्या थी, उनके लिए बहुत बड़ा शॉक है। पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। पर हाँ, हमने उनके जीवन से जो प्रेरणा ली है, जो सीखा है कि वो कैसे इस ऊंचाई पर पहुंची, मैं चाहती हूं हम उनके गुणों को दरकिनार न करें, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे हम अगर इन गुणों को लाएंगे। बस एक कमी, जो बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ी कमी अगर हुई है तो, अगर निश्चित होता है तो हम उसको भी ध्यान रखें कि ऐसा हम अपने जीवन में ना करें और ऊंचाइयों पर ही बढ़ते रहें। आज की कहानी बहुत प्रेरणादायक है और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको चंदा कोचर के जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं तो मिली हैं, बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं। बस आगे बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए, ऊंचाइयां छूते रहिए, पर नीचे कभी ना आए आप, समस्त शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।